अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है 12 नवंबर साल 2023 ईस्वी बमुताबिक 27 रबीउस्सानी सन 1445 हिजरी। पेश है मकामी अखबारात से ली हुई आज की सुर्खियां। आगाज में नजर डालते हैं इन सुर्खियों पर। जीलीडल में अलल सुबह आग की होलनाक वारदात, 3 सैया लुक में अजल, 8 को बचा लिया गया, 5 हाउस बोट, 7 रिहायशी झोंपड़ियाँ और मकान खाकस्तर, करोड़ों का नुकसान। इसी हवाले से चंद मजीद सुर्खियां समात फरमाइए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार रंजो गम, मुतासरीन की इमदाद के लिए हिदायत जारी, मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी, डिप्टी कमिश्नर, जरूरी सामान फरहम किया जाएगा। पारीगाम पुलवामा में मुसल्लह तसादुम, 6 घंटे तक तलाशी ऑपरेशन, इब्तदाई फायरिंग के बाद मिलिटेंट फरार। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आज, LG और DGP की लोगों को मुबारकबाद। मौसम से मुतल्लिक की सुर्खी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। 2 रोज बर्फबारा के बाद मौसम में बेहतरी दर्ज, कौमी शाहरा मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक बहाल, पहाड़ी रास्तों को खोलने की कार्रवाई जारी, 19 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को। शब्बाना सर्दी की दस्तक, गुलमर्ग में -1.5 डिग्री। सोपोर, टंगमर्ग और डोडा में सड़क हादसा, 3 अफराद लुक में अजल, 3 शदीद जख्मी, लज्जन में मजदूर स्टोन क्रशर में फंसकर अजान। अवामी शिकायत के अजाले के लिए पुलिस सरबराह का इकदाम, हर माह 2 बार शिकायत कंदगान से मिलेंगे तर्जुमान, फील्ड पुलिस यूनिट से रुजू करने वालों को तरजीह दी जाएगी। सड़क हादसा की रोकथाम के लिए वजारत ट्रांसपोर्ट का इकदाम, 4 पहियों वाली गाड़ियों में मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की तजवीज़। श्रीनगर शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का रिवाज, आम मुसाफिरों ने राहत की सांस ली, हीटिंग सिस्टम और कैमरों की खसूसियात, सस्ती शरा किराया और आरामदेह माहौल बाई से इत्मीनान शहरी आवाम। गाजा में बमबारी फौरी रोक की जाए, आलमी इदारे सेहत के सरबराह का मुतालबा। जम्मू व कश्मीर में बिजली बहरान मजीद संगीन, मजमू तकनीकी व तजारती नुकसान 50% तक बढ़ गए। आगे बढ़कर नजर डालते हैं अखबारात में शाया चंदीगर सुर्खियों पर। आओ चले गांव की ओर का 5वां मरहला, आवाम की बारी शिरकत, इंतजामिया उमूर पर तबादले ख्याल। तरक्की के नए दौर का आगाज, गांधरबल में अहमियत के हमल, 3 मनसूबों को मंजूरी। कौमी तालीमी दिन, डलसा श्रीनगर का छानपुरा हायर सेकेंडरी में बेदारी प्रोग्राम। कुलगाम में बिजली की आंख मचोली से लोगों को मुश्किलात का सामना, महकमा की तरफ से अजीबो गरीब कटौती शेड्यूल पर अमल दरामद करने पर सार्फीन में गमोगुस्से की लहर। बिजली की माकूल तरसीली में महकमा PDD बुरी तरह से नाकाम, बिजली के इस्तेमाल में हर बरस 10% इजाफा हो रहा है, वादी फिलहाल बिजली बहरान से 2-4। सूबे जम्मू डेंगू की जद में इन्फेक्शन का फैलाव जारी, इम साल 5702 मामले दर्ज, 7 लुक में अजल, 1800 से जायद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज, जम्मू जिला में सबसे ज्यादा मुतासिर, 3644 केसेस रिपोर्ट। पुलवामा में मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी, मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा नकदी बरामद। डिग्री कॉलेज पुलवामा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक रोजा सेमिनार, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुकर्रीन ने मुफसल रोशनी डाली। मुल्क में कोरोना के 6 नए मामलात दर्ज, अब वायरस मुहल्लिक नहीं, महकमा सेहत। खेल सफे से चंद सुर्खियां समात फरमाइए। वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को शिकस्त, इंग्लैंड 92 रन से कामयाब, हारिस और वसीम जूनियर ने आखिरी विकेट की शिरकत में 93 रन जोड़े। मिचेल मार्श की तूफानी और स्मिथ की शानदार बैटिंग, बांग्लादेश की वर्ल्ड कप मुहिम शिकस्त के साथ खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से एक और कामयाबी अपने नाम कर ली, अफ्रीका से सेमीफाइनल मुकाबला। अब आखिर पर यह सुर्खी समाप्त फरमाइए कि ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी। ये थी मकामी अखबारात से ली हुई आज की सुर्खियां। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।